ठाकुर से कर रहे चक्कर मारो सालू को। अनुराग ठाकुर ने इनकी जात के ऊपर टिप्पणी की है, राहुल की जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि जिसकी तीन पीढ़ी इस देश के लिए कुर्बान हो चुकी है उसकी जात पे सवाल कर रहे हैं, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सफर तय करके एक एक मजदूर किसान युवा वर्ग आदिवासी तमाम लोगों की समस्याएं समझ के उन्होंने जनगणना का मुद्दा उठाया है। इनके शब्द पे, इनके प्रेरणा पे एक युवा ने जो तो गोली चलाई थी, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये साबित किए गधे को चप्पल नहीं थी, वो जो हरकत कर रहे हैं वो गधे की तरह हरकत कर रहे हैं, जबकि एक आदमी पूरे देश को न्याय देने का काम कर रहा है, पूरे वर्ग की आवाज उठा रहा है और उसके जात पे बात की जा रही है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी को नीचा दिखाने का कोई राइट्स नहीं है, ये जात पे बात कर रहे हैं, इसलिए इनको ये चप्पल बना के इनको बताया है, इनकी जगह बताई है। अगर आने वाले समय में अगर इनका मुंह बंद नहीं हुआ तो योग कांग्रेस यहाँ पर नहीं, उनके घर के बाहर दिल्ली में जाके उनको चप्पल का हार पहनाएगी। अरे जूते मारो सालों को। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को। जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को। मुर्दाबाद अनुराग ठाकुर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल जी जो इस देश की आवाज बन के उभरे है, युवा की, मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की, और ये इनके लिए आवाज उठा रहे पार्लियामेंट के अंदर, और इसी बात को देखते हुए अनुराग ठाकुर ने इनकी जात के ऊपर टिप्पणी की है, राहुल की जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि तमाम वर्ग के लोगों को, तमाम समाज के लोगों को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, और इनको ये आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इनकी जात पूछी जा रही है, जिसकी तीन पीढ़ी इस देश के लिए कुर्बान हो चुकी है उसकी जात पे सवाल कर रहे हैं, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सफर तय करके एक एक मजदूर किसान युवा वर्ग आदिवासी तमाम लोगों की समस्याएं समझ के उन्होंने जनगणना का मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। अनुराग ठाकुर इससे पहले भी उन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया था, इन्होंने गोली मारो सालों को ये बात उन्होंने शब्द इस्तेमाल करके इनके शब्द पे, इनके प्रेरणा पे एक युवा ने जो तो गोली चलाई थी, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस सांसद के अंदर जो जिस सांसद के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से ये चुनके आए सांसद के सदस्य बने हैं, वही सांसद, वही कॉन्स्टिट्यूशन तमाम वर्ग के लोगों को इक्वलिटी की राइट्स देता है, और ये उसी का भंग कर रहे हैं। हमारे डिविजनल कमिश्नर के मार्फत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये हमारी निवेदन है, हमारा मेमोरेंडम है कि इनकी सांसदा रद्द की जाए,
ताकि ऐसे शरपसंद लोग जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं इनको घर वापसी हो इनकी। लेकिन एक गधे को आंदोलन में ला करके आपने चप्पलों का हाथ पिनाया, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने आप ऐसा कर सकते हैं ये साबित, ये बात ये थी, ये साबित की ये गधे को चप्पल नहीं थी, वो जो हरकत कर रहे हैं वो गधे की तरह हरकत कर रहे हैं, जबकि एक आदमी पूरे देश को न्याय देने का काम कर रहा है, पूरे वर्ग की आवाज उठा रहा है और उसके जात पे बात की जा रही है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी को नीचा दिखाने का कोई राइट्स नहीं है, ये जात पे बात कर रहे हैं, इसलिए इनको ये चप्पल पहना के इनको बताया है, इनकी जगह बताई, अगर आने वाले समय में अगर इनका मुंह बंद नहीं हुआ तो योग कांग्रेस यहाँ पर नहीं उनके घर के बाहर दिल्ली में जाके उनको चप्पल का हार पहनाएगी। आज योग कांग्रेस की तरफ से अनुराग ठाकुर के विरोध में यहाँ पे आंदोलन रखा गया है, गधे के फोटो लगा के उसको चप्पलों का हार करा दिया गया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने इस देश में इस संविधान की धज्जा लाने का काम किया है और उसको समर्थन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है ट्वीट के माध्यम से। इसे मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से अनुराग ठाकुर का जाहिर निषेध करता हूं। और आज जो युवा कांग्रेस के पूरे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जो ये आंदोलन में सहभाग लिया उनका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी युवा कांग्रेस हमेशा ऐसे जनता के मसलों के ऊपर रस्ते पर रहती है। और ये जो संविधान का जो रक्षक बोलने वाले नरेंद्र मोदी ने, आप जानते हैं उन्होंने नतमस्तक होते हैं जाते जाने के लिए अंदर, और जो संविधान के खिलाफ उनके जो लोग काम करते उसका उन्होंने समर्थन करते, इसलिए हम उनका भी, हम नरेंद्र मोदी का भी हम जाहिर निषेध करते कर दो। तो विरोधी पक्ष नेता सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे केंद्रातला, तर त्यांच्याबद्दल बोललं तर लवकरात लवकर त्यांना निलंबित करा अशी युवक काँग्रेसची मागणी आहे। आता फक्त गद्याला हार घातलाय, जसे आमचे मोठे बंधू बोलले की आता आम्ही दिल्लीला त्यांच्या तिथं त्यांच्या बंगल्यावर जाऊन त्यांना स्वतः हार घालायला आम्ही युवक काँग्रेस चपलाचा हार कमी पडणार नाही असं या मार्फत आपल्याला युवक काँग्रेस तर्फे सांगतो। धन्यवाद। सागर नागरे, युवक काँग्रेस। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर वन YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।